नहीं ले आती। ओहो, आज फिर से नल खुला छोड़ दिया। अरे मनीष, प्रियंका, आप लोग पानी की कीमत क्यों नहीं समझते? ब्रश करते समय, नहाते समय, कपड़े धोते समय कितना पानी बर्बाद करते हो। आज भी नल खुला छोड़ दिया। दादाजी, मैं 2 मिनट में बंद कर ही रहा था और आपने डांट दिया। नहीं समझेंगे। आई सुनो ना, आई पानी क्यों बंद हो गया? मोटर चालू करो ना, मैं अभी नहा ही रहा हूँ और बीच में से नल में पानी आना बंद हो गया। पानी तो बंद हो गया बेटा, आज ही तो सुबह सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था कि 10 बजे से शाम के 5 बजे तक पानी नहीं आएगा, तुमने देखा नहीं? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पर मैं आज जानती है ना, मुझे शालिनी का घर पार्टी में जाना है, अब बिना बाल धोए कैसे जाऊंगी मैं? कल रात को ही मैंने बालों में तेल लगाया है। और मुझे 1 घंटे में ऑफिस के लिए भी निकलना है, और मैं ठीक से फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, और पानी भी चला गया। कोई नहीं, अच्छा सुनो, मैं अभी सतीश के घर जा रहा हूँ, वहीं से तैयार होकर निकल जाऊंगा। जो करना है करो, तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है, किचन का क्या होगा? इतने सारे बर्तन पड़े हैं, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? और इसे देखो, सुबह से फोन पे लगी हुई है। बस इतनी सी देर में तुम सब इतना परेशान हो गए? पर बाबूजी, बिना पानी हम शाम तक काम कैसे करेंगे? पानी के बिना भी कोई रह सका है भला? अरे मुझे तो सिर्फ आधी बाल्टी पानी से नहाने मिला। अब 1 दिन पानी नहीं आया तो आप लोग इतना परेशान हो गए? अरे सोचो उन गांव वालों की जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी, जहां 72 साल तक, हाँ 72 साल तक एक भी नल या कुआं नहीं था। सच में दादाजी, ऐसा भी कोई गांव था? हाँ। तो फिर इतने सालों तक बिना पानी के कैसे रहे होंगे वो लोग? बेटा पहाड़ी पे बसे इस गांव में 1.5 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर एक छोटा सा कुआं था, और वहां से खींच कर सबको पानी लेके आना पड़ता था। सबको यानी छोटे छोटे बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाएं भी पानी लेकर आते थे? हाँ, बिल्कुल। इस जेट युग में ऐसा भी कौन सा गांव है दादाजी, हमें भी बताइए, क्या अभी वहाँ पानी नहीं है? बेटा मुंबई से 80 किलोमीटर दूर पालघर जिले में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है डोंगरी पाड़ा। अब तो वहां पे भरपूर पानी है। हाँ, हर 8 घर के बीच में एक टैपलेट है, पानी की बड़ी बड़ी टंकियां भी है, और खेतों की सिंचाई पाइपलाइन से होती है। 72 साल बाद वहां पानी कैसे पहुंचा दादाजी, हमें पूरी कहानी सुनाइए ना। तुम सभी ने RSS का नाम तो सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये संघ के संस्थापक हेडगेवार जी की स्मृति में उसी जिले में भायंदर में एक केशव सृष्टि नामक संस्था की स्थापना की गई। ये संस्था ने डोंगरी पाड़ा के अलावा 75 और गांवों को आदर्श गांव बनाने का संकल्प ले लिया। और फिर क्या था, संघ के स्वयंसेवक ने गांव वालों के साथ मिलकर 5 साल लगातार विविध आयामों पर काम किया, और फिर सोलर एनर्जी के जरिए पाइपलाइन से गांव तक पानी पहुंचा। तो क्या आप भी कभी उस गांव गए हैं दादाजी? बेटा रिटायरमेंट से पहले एक बार जाने का मौका मिला था, लेकिन जानते हो अब तो उस गांव में छोटे छोटे बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर है, महिलाओं को सिलाई सिखाने के लिए 2-2 ट्रेनिंग सेंटर है, अरे
वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर क्लास भी चलती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि गांव में, इस छोटे से गांव में एस्ट्रोटर्फ का खेल का मैदान भी है, जो जो कि यहाँ डोंबिवली में भी नहीं है। बाबा, इतना बड़ा परिवर्तन, गांव के लोग तो काफी खुश हो गए होंगे ना? हाँ बहू, बहुत खुश है, बहुत खुश है। वो अब अपने खेतों में काम करते हैं, मजदूरी के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ता, और खेतों की सिंचाई तो पाइपलाइन से होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब गांव वालों ने अपने गांव के विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है। केशव सृष्टि के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो लोग अब काम कर रहे हैं। दादाजी, सिर्फ 4 घंटे पानी नहीं आएगा ये सोचकर हम सभी ने अपना आपा खो दिया। यूं लगा पानी नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा। अब समझ में आया कि आप हमें पानी बर्बाद करने के समय क्यों डांटते थे। अब समझ में आया? तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया हो तो अपने मित्रों को भी समझा देना। ठीक है दादाजी।